हेलो फ्रेंड, एसेट क्रिएशन में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय और सेल करनी है तो अपनी फाइनेंशियल सलाह लेकर ही बाय और सेल कर। जीएसटी का रेट कम कर दिया गया है, लगभग 10% की कटौती की गई है। पहले जहाँ 28% लगता था, अब वो 10% लगेगी। और ये किन किन सेक्टर पे लग सकती है, किन किन आइटम पे लग सकती है, तो उसमें टीवी है, फ्रिज है, एसी है, इलेक्ट्रिक आयरन है, पेंट है, वॉल पुट्टी है, और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिस पे जीएसटी रेट कम कर दिया गया है 10%। तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा। अब कल अगर मंडे को अगर मार्केट खुलती है तो कौन कौन स्टॉक आपको 10-15% आपको ऊपर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जीएसटी रेट कम होने से उन कंपनियों को फायदा होगा और ग्राहकों को भी फायदा होगा। क्योंकि कंपनियाँ जब सस्ते ही बेचेंगी, कुछ 10% अगर कंपनी सस्ते ही बेचती है तो लोग खरीदना पसंद करते हैं, तो उन कंपनियों को फायदा हो सकता है। और इस चलते कल मार्केट में कल उछाल भी आ सकता है, मतलब कि जो पेंट हुआ, टीवी फ्रिज बनाने वाली जो कंपनियां हैं और कई सारी कंपनियां जिन पे ये असर दिख सकता है। आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने टीवी फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू आइटम पर लगने वाले टैक्स रेट को कम कर दिया है। काउंसिल ने इस कदम से आने वाले दिनों में ये चीज़ों पहले के मुकाबले ज़्यादा सस्ती मिलेगी। सैनिटरी नैपकिन पर अब जीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत महिलाओं ने और बहुत महिला संगठनों ने विरोध किया था। सैनिटरी नैपकिन पर पहले 12% टैक्स लगता था, जो अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल मतलब फ्री, टैक्स फ्री कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल में 28वीं बैठक में फैसला लिया गया। तो ये जो 28वीं बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल, इसमें ये फैसला लिया गया कि अब जो वॉशिंग मशीन है और सैनिटरी नैपकिन है, ये सब पे अब टैक्स नहीं लगेगा। और लगेगा तो अब 10% कम कर दिया गया, मतलब टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन और पेंट कई चीज़ों पे टैक्स 10% तक कम किया गया और सैनिटरी नैपकिन पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। मशीन, फ्रिज, टीवी, सिर्फ 27 इंच तक, वीडियो गेम, वैक्यूम क्लीनर, टेलर, जूस मिक्सर, ग्राइंडर, सॉव एंड हेयर ड्रायर, वाटर कूलर, लिथियम आयरन बैटरी और इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जैसे घरेलू उपयोग के आइटम पर 18% जीएसटी लगेंगे। पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था, इस हिसाब से 10% कटौती की गई है। मतलब कि जो टीवी फ्रिज एसी है, वैक्यूम क्लीनर है, जूस मिक्सर है, ग्राइंडर है, इस पे आप 10% आपको सस्ता में मिलेगी। पहले जिस पे जो जीएसटी लगता था वो 28% लगता था, अब 18% लगेगा। 1000 रुपये तक की कीमत वाले जूते पर अब मात्र 5% टैक्स की वसूली की जाएगी, मतलब अब जूते आपको सस्ते मिलेंगे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस कंपनी को आप लोग मंडे को खरीद सकते हो इंट्राडे के लिए, कम से कम 5-10% आपको रिटर्न पाने के लिए, तो है वाटा इंडिया। क्योंकि वाटा इंडिया के जो 1000 रुपये के जूते हैं उनसे कम के होते हैं, तो वो जो जूते होते हैं अक्सर वो जो स्कूल जाते हैं लड़के लोग या फिर काफ़ी ऑफिस वाले, तो इनके जूते काफ़ी लोग पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके जूते भी अच्छे रहते हैं, जिसके चलते मुझे लगता है कि ये कंपनी कल आपको 10% रिटर्न दे सकती है। वाटा इंडिया बाजार में सिर्फ वाटा या लिबर्टी का स्टॉक ही नहीं चलेगा, और भी कई स्टॉक चल सकते हैं। पेंट, वाल पुट्टी और वार्निश जैसे रंगों बनाने वाली चीज़ों पर भी रेट 10% कम किया गया है। इन पर अब 28% की जगह अब 18% टैक्स लेंगे, मतलब 10% इन पर टैक्स कम कर दिया गया है। तो एशियन पेंट, वर्जर पेंट, कंसाइन नैरोलैक, सालीमार पेंट में शायद ज़्यादा उछाल देखा जा सके, क्योंकि स्टॉक का प्राइस कम है, जिसके चलते स्टॉक इस कल ये शायद अपर सर्किट में खिले। क्योंकि इस जो खबर है ना पेंट वाल पुट्टी में 10% टैक्स करने का, ये बहुत ही अच्छी खबर मानी जाती है। आपको पता होगा कि अशोक लैंड एक ख़राब खबर से कितना नीचे गिर गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पेंट वाल पुट्टी या फिर जूते बनाने वाली कंपनियां, वाटा इंडिया, लिबर्टी, जितने भी लिस्टेड कंपनियां हैं, कम से कम 10% से 15% तक उछाल देखने को मिल सकता है मंडे तक। और ये जो लागू होगा, ये जीएसटी जो लागू होगा, जो कम किया गया है, ये 27 जुलाई को लागू होगा, तो 22 तारीख को कल मार्केट खुलेगा। तो कम से कम अभी 5 दिन है, तो उसमें आपको आराम से 15-20% रिटर्न बहुत इजीली मिल सकती है। और ये जो भी कंपनियां हैं, चाहे पेंट बनाने वाली कंपनियां हो, चाहे पुट्टी बनाने वाली कंपनियां हो, या फिर जूते बनाने वाली कंपनियां हो, तो इन पे अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। और आपको एक मौका लेना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ है और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में मिलाए जाने वाले और गन्ने तथा अन्य फसलों से तैयार होने वाले एथेनॉल अब 5% टैक्स के दायरे में आएंगे। अभी तक इस पर 18% टैक्स लगते थे, मतलब कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो मिलाए जाने वाले जो प्रोडक्ट हैं, मतलब कि जो एथेनॉल थे,
पहले उस पर 18% टैक्स आता था, अब वो 5% टैक्स लेगा। मार्केट खुलेगा तो बाटा इंडिया मेरे अंदाज से 10% या फिर 8% तक ऊपर खुल सकता है, क्योंकि बाटा इंडिया पे जो मतलब इस कंपनी को जो फायदा होने वाला है वो 1000 रुपये से जो कम के जूते होंगे उस पर 5% टैक्स लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो 1000 रुपये जूते होते हैं ये अधिकतर स्टूडेंट लोग पहनते हैं। आप बाटा इंडिया इसमें लीडर है, जितने भी स्कूल जाने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं बाटा का जरूर जूता जरूर पहनते हैं, और लोअर मिडिल क्लास जो है वो इनके जूते ही पहनता है। तो मेरे अंदाज से कल स्टॉक में आपको 10% से 8% रिटर्न देखने को मिल सकता है, और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है, मतलब कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसमें कोई इशू भी नहीं है, और ये स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में भी मतलब अप ट्रेंड में स्टॉक है, और मैं हमेशा चाहता हूँ आप लोग अप ट्रेंड वाला स्टॉक खरीदें तो उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। दूसरी जो मैंने कंपनी चूज की वो शालीमार पेंट, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस भी कम है, और इस स्टॉक में जब भी ऐसी कोई खबर न्यूज आती है कि पेंट सेक्टर में कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है या फिर कोई पेंट सेक्टर अच्छा करेगी, तो शालीमार पेंट में देखा गया है कि 15-20% तक अच्छा खासा ये कंपनी इंट्राडे में जंप दिखाती है। तो आप इस स्टॉक भी खरीद सकते हो, और ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये मंडे को इसमें अच्छा खासा उछाल आ सकता है, और ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का भी कंपनी है, और ये इनकी जो बिजनेसेस हैं जैसे पेंट, जो भी बिजनेस आपको सबको पता है कि चाहे फिर कोई अमीर हो या गरीब हो सभी लोग पेंट कराते हैं, तो हर क्लास के लोअर पेंट कराते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बिना पेंट के रहता है। तो मुझे लगता है कि पेंट सेक्टर तो अच्छा सेक्टर है ही है, इनकी बिजनेस तो सालों साल चलने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, तो आप शालीमार पेंट को लगा सकते हो। तीसरी जो मैं कंपनी चूज किया हूँ वो बर्जर पेंट, मंडे को ये स्टॉक 5% या 8% ऊपर खुल सकता है, क्योंकि जैसा मैं पहले बताया शालीमार पेंट में कि 18% अब लेगा GST, पहले जो 28% लगता था वो 18% GST लेगा, और ये जो भी जो लागू होगा वो 27 जुलाई को लागू होगा, मतलब कि 5 दिन तो अभी आपके पास मौका है, और 5 दिन में आपको अच्छा खासा पैसा इस स्टॉक में बन सकता है। वो मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स है, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसका BSE प्राइस है 29.90 रुपये। इस स्टॉक को आप तो नहीं जानते हो मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स क्या काम करती है, तो ये जो काम करती है ओनिडा, आप लोग सभी लोग जानते हो कि ओनिडा बहुत पुरानी फेमस कंपनी है। अगर पहले के टीवी में देखूँ तो लगभग हर घर में ओनिडा का टीवी या फिर फ्रिज रहता था या फिर AC रहता था, तो ही कंपनी है ओनिडा, और इस स्टॉक का प्राइस लगभग 29 रुपये है। तो कल मुझे लगता है कि जो मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको आराम से अपर सर्किट पे दिखता जाएगा, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छी कर भी रही है, और इस 18% GST लगने से, पहले जो 28% GST लगा था वो 18% लगेगा, तो इसके वजह से भी मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में कल आपको अपर सर्किट दिखा सकता है, क्योंकि ये अभी छोटी स्टॉक है, छोटी मतलब कि छोटी टिकट साइज का स्टॉक है, जिसकी वजह से ये शायद अपर सर्किट आपको बहुत आराम से देखने को मिली। जो स्टॉक मैं चूज किया हुआ है ब्लू स्टार एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इनकी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, इनकी मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, और ये स्टॉक आपको राकेश झुंझुनवाल जी के पोर्टफोलियो में मिल सकता है, और रजत बोस जो टेक्निकल एनालिस्ट है जो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं उनके पास भी ये स्टॉक है लगभग 70-75 रुपये से, और कई म्यूचुअल फंड वाले इसमें काफ़ी भर भर के स्टॉक खरीदे हैं ब्लू स्टार के, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये कंजम्पशन से रिलेटेड है। आप सब लोग को पता है कि आजकल टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो लोग AC खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से इन कंपनियों में डिमांडिंग भी बहुत अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि इस खबर की वजह से सिर्फ यही कंपनियाँ बढ़ेंगी, जैसे वोल्टास भी चल सकता है और डिक्सन टेक्नोलॉजी भी चलेगा, अंबर इंटरप्राइजेस भी चल सकता है, और कई सारी कंपनियां हैं जो GST रेट कम होने की वजह से बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है मंडे को। और आप खुद से भी सर्च करें कि कौन सी कंपनियां इस टाइप की खबरों में ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकती है। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।